नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वर्ष 2021 में मीन राशि के जातकों को क्या क्या फल मिलेंगे विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले मैं ग्रहों की प्लेसमेंट बताता हूं। मंगल मेष राशि में अपनी स्वराशि में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, राहु वृष राशि में थर्ड हाउस में है, चंद्रमा फिफ्थ हाउस में अपनी स्वराशि का बैठा हुआ है और नाइन्थ हाउस में वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु बैठे हैं, टेंथ हाउस में बुध और सूर्य बैठे हैं और इलेवंथ हाउस में मकर राशि में गुरु और शनि बैठे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। वर्ष 2021 में मीन राशि के जातकों के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ फल आएगा, क्योंकि राहु पूरे वर्ष भर तीसरे भाव में गोचर करेगा, आपके साहस पराक्रम एनर्जी में वृद्धि करेगा और शनि इलेवंथ हाउस में लाभ भाव में अपनी स्वराशि में बैठ के आपको आपकी मेहनत परिश्रम का शुभ फल देगा। जातक का साहस पराक्रम बढ़ेगा तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। राशि स्वामी गुरु भी इलेवंथ हाउस में बैठकर शुभ फल देगा, लेकिन राशि स्वामी गुरु 6 अप्रैल 2021 से 13 सितंबर 2021 तक आपके 12वें भाव में 12th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेगा और वर्ष के अंत में 20 नवंबर 2021 से वर्ष के अंत तक कुंभ राशि में ही गोचर करेगा। राशि स्वामी का 12th हाउस में जाना यानी कि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी और कोई रोग भी हो सकता है, लेकिन शनि और राहु, शनि 11th हाउस में और राहु 3rd हाउस में, दोनों आपके शरीर को निरोगी रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की। शनि आपकी राशि से 11वें भाव में अपनी स्वराशि से गोचर करेगा, ये आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है, तो यानी कि शनि आपके 11वें भाव में अपनी स्वराशि में गोचर करेगा। पूरे वर्ष भर शनि आपको लाभ देगा। राहु 3rd हाउस में आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेगा और आप अपनी मेहनत से परिश्रम से धन लाभ कमाओगे। गुरु भी वर्ष के आरंभ से 5 अप्रैल 2021 तक और फिर 18 अक्टूबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक लाभ भाव में ही गोचर करेगा और धन लाभ देगा। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी, लेकिन गुरु जब कुंभ राशि में गोचर करेगा 12th हाउस में यानी कि 6 अप्रैल 2021 से 13-9 सितंबर तक करेगा, तो ये आपके खर्चे बढ़ा देगा। खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की। मीन राशि के जातकों के लिए 2021 का वर्ष प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत शुभ फलदायक है। राहु 3rd हाउस में आपकी एनर्जी बढ़ा रहा है, आपको मेहनती बना रहा है, परिश्रमी बना रहा है और परिश्रम और मेहनत से आपको व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी में उन्नति होगी और शनि लाभ भाव में अपनी स्वराशि में बैठकर आपको आपकी मेहनत, आपके परिश्रम से आपके व्यवसाय में या नौकरी में धन लाभ देगा। नौकरी में प्रमोशन हो सकती है, बॉस आपके काम से खुश रहेगा। वर्ष के आरंभ में धन भाव का स्वामी मंगल अपने ही स्वराशि में बैठा है और 13 अप्रैल 2021 तक 3rd हाउस में भी गोचर करेगा, भाग्य भाव को दृष्टि देगा जिससे भाग्य में वृद्धि होगी,
सितंबर से नवंबर तक आपकी प्रमोशन होने की संभावना भी है और व्यवसाय या नौकरी के कारण सितंबर से वर्ष के अंत तक आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। गुरु लाभ भाव में बैठकर सातवें भाव को अपनी नौवीं दृष्टि से देख रहा है, यह बहुत शुभ फलदायक है। और सेवंथ लॉर्ड बुध चंद्र कुंडली से गोचर करते समय दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, दसवें और ग्यारहवें भाव में शुभ फल देता है। वर्ष के आरंभ में बुध 24 जनवरी 2021 तक लाभ भाव में ही गोचर कर रहा है और 16 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 तक मेष राशि में सेकंड हाउस में, 26 मई 2021 से मिथुन राशि में फोर्थ हाउस में और 6 जुलाई तक कभी वक्री कभी मार्गी होता हुआ गोचर करता रहेगा। फिर 9 अगस्त 2021 से 21 सितंबर 2021 तक सिक्स हाउस में और सेवंथ हाउस में गोचर करेगा। 22 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला में या कन्या में कभी वक्री कभी मार्गी होकर शुभ फल ही देता रहेगा और वर्ष के अंत तक शुभ फल ही देगा। तो यानी कि मैरिड लाइफ अच्छी है, वैवाहिक जीवन का सुख मीन राशि के जातकों को वर्ष 2021 में अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की और संतान की। मीन राशि के फिफ्थ हाउस पर शनि के दृष्टि के कारण शिक्षा में रुकावटें आएंगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि फिफ्थ हाउस पर पढ़ने के कारण शिक्षा में रुकावटों के बाद भी शिक्षा प्राप्त होती रहेगी। शिक्षा के लिए जनवरी से मार्च तक और 14 सितंबर 2021 से 19-11 तक का समय बहुत शुभ फल लाएगा। कंपटीशन में भी सक्सेसफुल रहेंगे और सितंबर से नवंबर तक का समय हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान प्राप्ति के लिए भी जनवरी से मार्च तक और सितंबर से नवंबर तक का समय शुभ फलदायक है। मीन राशि के जातकों को, न्यूली मैरिड कपल को वर्ष 2021 में संतान प्राप्ति की पूरी पूरी संभावना है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।